नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं अनुज शुक्ला, आज आपके लिए जो आपके यक्ष प्रश्न है, बहुत ज़्यादा कमेंट करके कॉल करके बच्चे पूछ रहे हैं, उन प्रश्नों का पूरा एक एक जवाब मैं देने आया हूँ। किस वैकेंसी से रिलेटेड? UPPCL की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी कार्यकारी सहायक, जो आपके 1033 पद निकले हुए हैं। अभी आपके इसके फॉर्म चालू हैं, देर मत करिए, 2 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि UPPCL से संबंधित A to Z सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। वो चाहे आपकी स्ट्रेटेजी हो, चाहे आपकी तैयारी हो, चाहे आपका एग्जाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, सब कुछ आपका यहाँ पे मिलने वाला है। शुरुआत करते हैं कुछ बच्चों का जो एक बहुत कॉमन प्रश्न था। हालांकि हम लोग FAQ के माध्यम से बहुत सारे ऐसे सेशन लेके आएंगे जहाँ पे आपके क्वेश्चन का मैं डाउट दूंगा। अगर आपका फिर भी इसके अतिरिक्त कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जरूर पूछिए, उसका हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो आपके प्रश्न क्या हैं सबसे पहले मैं बता दूं, और उससे पहले मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे ये समझ रहे हैं कि UPPCL के ये पद जो है वो टेक्निकल है। बेटा ये नॉन टेक्निकल पद है, ये क्लरिकल जॉब है, इसमें कोई भी टेक्निकल की जरूरत नहीं है। ये ग्रेड 3 की जॉब से कंपेरेबल है ऑफिस असिस्टेंट की जो इससे पूर्व में आई थी, बट इसमें कोई भी टेक्निकल उसमें नहीं है। ये आपका क्लरिकल जॉब है, कंप्यूटर जॉब है, इतना आप समझो। वहां पे बैठ के अकाउंटेंट का जॉब, अकाउंटेंट या बिलिंग अकाउंटेंट नहीं बोलेंगे, क्लर्क का बोलेंगे, है ना, बिलिंग क्लर्क होते हैं और वो होते हैं। खैर, इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको पूरी वीडियो दे दी जाएगी। प्रश्न ये है कि परीक्षा की अवधि, बच्चे ये पूछ रहे हैं परीक्षा की अवधि क्या होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये मेंशन ही नहीं किया है कि कितने घंटे का पेपर होगा। लेकिन अभी इससे पूर्व में ऑफिस असिस्टेंट का पेपर हुआ था, सेम पैटर्न था। मैं आपको बता दूं कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पेपर UPPCL इससे पहले संभवता नहीं कराई है। अगर आप UPPCL के पूरे जॉब प्रोफाइल के बारे में देखोगे तो वहाँ पे 3 प्रकार के असिस्टेंट होते हैं। एक जो होता है वो आपका XCN का असिस्टेंट होता है, एक आपका जो होता है वो बिलिंग क्लर्क को होता है, और एक आपका जिसे बाबू बोलते हैं वैसा आपका क्लर्क होता है। तो 3 टाइप में होते हैं। इस बार ये सम्मिलित रूप से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बोले हैं, और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मतलब हो गया कि UPPCL में जो एग्जीक्यूटिव है उनके असिस्टेंट, तो वो जो भी आपको काम देगा वो कर सकते हो। और ये पेपर आपका, ये वैकेंसी वही ऑफिस असिस्टेंट वाली ही है, हूबहू वही वैकेंसी है, सेम ग्रेड पे है, सेम पैटर्न है, सेम सब कुछ प्रोसीजर है जो 2018 में हुई थी, एक बार कैंसिल होकर दोबारा हुई थी। तो इसे हम लोग समझते हैं कि परीक्षा की अवधि क्या होगी। टोटल 50 क्वेश्चन आपका पार्ट 1 में कंप्यूटर का है, और 180 क्वेश्चन आपका पार्ट 2 में है, है ना। ये दोनों ही मिला के आपके 230 क्वेश्चन बनेंगे। और अगर देखा जाए तो पिछली बार जो बच्चों का कहना है कि 9 से 12 का टाइमिंग मिला था पेपर के लिए, तो ऐसे उम्मीद जताई जा रही है कि क्या है, टोटल जो टाइमिंग आपको मिलेगा 3 आवर मिलेगा। हालांकि बहुत जगह मैं रिसर्च किया तो वहां पे कुछ जगह 2.5 घंटे भी लिखा था, बट 2.5 घंटे पॉसिबल नहीं है, और वो मुझे इतना ऑथेंटिक नहीं लगा। जो आपका रिस्पॉन्स की आता है, आंसर की आता है सॉल्यूशन वाला, जब आप ऑनलाइन पेपर देते हो, और मैं आपको बता दूं ये TCS कराएगा, ये भी आप ध्यान दे लेना, है ना, इनके पेपर TCS ही कराता है। तो जब आप इसको देखते हो तो उसमें लिखा रहता है एग्जाम टाइमिंग 9 से 12, तो उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, 3 आवर हो जाएगा। बट एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ है तो बहुत सॉलिडली मैं नहीं बोल पाऊंगा कि 2.3 आवर का है, 2.5 आवर का है, या फिर 3 आवर का है, बट ज्यादा 99% है 3 आवर का आपका पेपर है। चलिए, दूसरा जो क्वेश्चन आपका है कि एग्जाम के ही दिन टाइपिंग होगी। एग्जाम के दिन टाइपिंग नहीं होती है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद उसका कट ऑफ निकलेगा। पिछली बार जो कट ऑफ था वो 128.365 था, 200 नंबर में से। टोटल 200 नंबर है जिसमें 180 नंबर आपका रिटन है, कंप्यूटर का नंबर जुड़ता नहीं है, केवल क्वालिफाइंग है, वो आपका 20 नंबर, वो आपका जुड़ेगा नहीं। इससे पूर्व में कंप्यूटर 50% क्वालिफाइंग था, लेकिन उसको फिर से संशोधन करके पिछले बार वाले में 2018 में ही विज्ञप्ति को वो 20 नंबर पे लेके आए थे। तो इस बात को आप समझना कि वो कंप्यूटर का मार्क्स नहीं जुड़ेगा। 180 टोटल आपका जो पार्ट 2 का मार्क्स है, ये आपका 180 है, और उसके बाद जो आपका टाइपिंग वाला जॉब है वो आपका 200 है। तो इस 200 में से 128.365 ये आपका पिछली बार जनरल का कट ऑफ गया था, ऐसे 118 नंबर गया था OBC का, बाकी सबके कम थे। तो ये आप समझ लो कि परीक्षा एग्जाम के ही दिन टाइपिंग नहीं होगी। पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी आंसर की आएगी, रिस्पांस की आएगी, फिर आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, कट ऑफ जनरेट होगा, उस आधार पे आप क्या किए जाओगे, टाइपिंग के लिए बुलाए जाओगे। टाइपिंग के लिए कुछ बच्चे समय पूछ रहे हैं, तो मिनिमम 2 महीने का समय मिलता है ना।
डेढ़ से दो महीने, 1.5 से दो महीने का समय आप लेके चलो, इससे ज्यादा भी मिल सकता है और इससे कम भी हो सकता है, लेकिन ये पिछले वर्ष में जो पेपर हुए हैं उनके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि डेढ़ से दो महीने का समय मिलता है। तो आज से अगर आप देखो, भले ही आप मंगल की टाइपिंग करते हो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मुझे मंगल में टाइपिंग आती है, कृतदेव कैसे करूँ, तो कृतदेव में भैया मैं आपको बता दूँ कि हाँ थोड़ा सा चेंज है, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही चेंज है, आप सीख नहीं पाओगे। दो महीना आपके पास इधर है, दो महीना एग्जाम के बाद मिलेंगे, चार महीना मोर देन सफिशियंट होता है अगर आपको टाइपिंग आती है थोड़ी बहुत भी तो, और इंग्लिश की टाइपिंग में कुछ सीखना नहीं होता, कोई फॉन्ट नहीं होता, वो तो आप वैसे ही कर लोगे। उसके बाद क्वेश्चन है कि टाइपिंग नहीं कर पाए फिर पास होंगे, तो इसके मैं आपको जानकारी दे दूं कि टाइपिंग कंपलसरी है। अब इसके भी तीन फेजेस हैं, देखो दो टाइपिंग है, एक आपकी मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, इसे बहुत ध्यान से सब लोग सुनना, एक आपकी क्या है, एक आपकी हिंदी टाइपिंग है जिसके लिए आपको चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, है ना, और ये क्या है, ये क्वालिफाइंग है, मतलब कि ये नेसेसरी है, अगर आप इसे इसे टाइप कर ले गए तो आप क्या हो जाओगे, पास रहोगे, अगर आप इसे टाइप नहीं कर पाए तो आप यहीं से फेल हो जाओगे, आप आगे कंसीडर नहीं किए जाओगे। दूसरी टाइपिंग आपकी है इंग्लिश, और इंग्लिश क्या है, स्वैच्छिक है, मतलब कि ये 35 वर्ड पर मिनट है, आप चाहो तो हिंदी की टाइपिंग करो और उसके बाद एग्जाम छोड़ के चले जाओ, आपको कोई फेल नहीं करेगा। बस अंतर क्या होगा कि यहाँ पे इंग्लिश का क्या है, 20 मार्क्स है, इंग्लिश का केवल नहीं है, अब उसे आप चाहो तो इंग्लिश का समझ सकते हो, उसे आप चाहो समग्र रूप से समझ सकते हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश करते हो तो आपको 30 मार्क्स क्या मिलते हैं, बोनस के रूप में मिलते हैं, अगर आप इंग्लिश टाइपिंग भी कर लेते हो तो 35 वर्ड पर मिनट के लिए, तो स्वैच्छिक, सॉरी 30 मार्क्स बोल रहा हूँ, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स आपके क्या हैं यहाँ पे, स्वैच्छिक है, आप चाहो तो 20 नंबर ले जाओ, तो आपका जो वो 180 होगा उसमें 20 काउंट हो जाएगा, यानी आप क्या हो जाएगा, 200 नंबर में आप करके आओगे, आपका जो मार्क्स होगा वो 20, आपका टोटल 20 में 20, सीधा सोचो कि आप 30 वर्ड परमिट गिरा दिए, इस 35 वर्ड गिरा दिए, तुरंत ही आपका क्या हो गया, 20 का नंबर आपका जुड़ गया। तो आप इंग्लिश टाइपिंग जरूर करके आओ, क्योंकि इतना आपका रिटन में नहीं उठेगा जितना आपका टाइपिंग में उठ जाएगा, और इंग्लिश की टाइपिंग आसान है, कोई फॉन्ट की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी अगर आप हिंदी टाइपिंग कर लेते हो और फिर आप इंग्लिश भी कर लेते हो तो 20 नंबर मिलेगा, हिंदी कर लेते हो इंग्लिश नहीं कर पाते हो तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, और हिंदी ही नहीं कर पाते हो तो आप फेल हो जाओगे, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये तीन प्रोसेस है, उसमें मैं आपको बता दे रहा हूं। बाकी आपका क्या है, ये 20 अंक बोनस मिलेंगे, ये मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश का मिलेगा। पीईटी जरूरी है, तो भैया इसमें पीईटी जरूरी नहीं है, पीईटी से संबंधित कोई भी यहां पे जानकारी नहीं, ऐसा मत समझना कि जो पीईटी होगा वही दिया होगा वही कर पाएगा, नहीं, बिना पीईटी वाले भी इसमें एलिजिबल है। कुछ बच्चे बोल रहे सर लड़कियों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी भैया, लड़कों के लिए भी है, सभी के लिए, केवल जनरल ग्रेजुएशन मांगा है। कुछ बच्चे पूछे सर ट्रिपल सी मांगा है, तो कोई ट्रिपल सी नहीं मांगा है, केवल आपसे कंप्यूटर नॉलेज का पूछेगा, उसके लिए क्वालिफाइंग पेपर होगा, 50 क्वेश्चन होगा। तो मैं आपको बता दूं भैया पेपर का स्तर बहुत अच्छा, वैसे तो जीएस आपकी और हिंदी आपकी आसान आएगी, लेकिन हिंदी में कोई भी टॉपिक छोड़ता नहीं है, इंग्लिश में भी कोई टॉपिक छोड़ता नहीं है, वो चाहे आपका ग्रामर हो, वो चाहे आपका वोकैब्स पार्ट हो, हिंदी इंग्लिश दोनों की बात कर रहा हूँ, संधि और आपका यहाँ पे रस छंद अलंकार सब पूछता है, बहुत जबरदस्त तरीके से पूछता है। ऐसे इंग्लिश में भी आपका सिनोनिम सेंटोनिम फिलर ग्रामर सेंटेंस करेक्शन पीक्यूआर सब कुछ पूछता है। कंप्यूटर में भी आपका नेटवर्किंग से आईपी से सब कुछ, जितने भी आपका ऑफिस से एमएस एक्सेल पावर पॉइंट इन सब से, या फिर आपके बाकी जो बेसिक हैं उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से सब कुछ से आपका क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर से भी। तो सिलेबस आपका व्यापक है, केवल जीएस में आपको स्टैटिक पार्ट पढ़ना पड़ता है, जीएस थोड़ी हल्की होती है, बाकी सब अच्छा होता है, उस सबका लेवल अच्छा होगा, ये बात समझते हुए चलो। तो बाकी मैं आपको एग्जाम सिलेबस और पैटर्न का और कैसे करें तैयारी इसकी जल्द से जल्द मैं वीडियो आपको ले आऊंगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी जॉब प्रोफाइल सैलरी क्या होगा, पर्क्स क्या होंगे, कितनी आपकी सैलरी मिलती है, 2600 ग्रेड पे है, और जो बच्चे 2018-19 में मान के चलो ज्वाइन किए थे ऑफिस असिस्टेंट की जॉब, उनकी आज के समय में सैलरी भैया 49,000 बनती है ग्रॉस, कटने पिटने के बाद भी आपको 41,000 इन हैंड मिल रही है, तो सैलरी बहुत अच्छी है, इसका आप ध्यान रखना। बाकी सारी जानकारी मैं आपको यहां पे दे दूंगा, लेकिन इससे पहले एक जानकारी मैं आपको और बता दूं कि इस पूरे यूपी पीसीएल में बहुत जबरदस्त कोर्स चलाया जा रहा है, और जो वहां पे आपको सारे सेक्शन की किताबें, वो चाहे आपकी रीजनिंग तार्किक ज्ञान हो, चाहे आपका कंप्यूटर ज्ञान हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे सामान्य दिन हो, सबकी किताबें आपको मिलेंगी, और आप किताबें देख सकते हो कि किताबें किस प्रकार हैं। ये आप ऐसे देख सकते हो, ये आपके कुछ कंप्यूटर के पार्ट हैं, है ना, ये कंप्यूटर की किताब है, आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे, या आप और अच्छे से ऐसे देख लो, अगर मैं पूरा का पूरा आपको नोट्स दिखा दूं थोड़े से समय में, एक मिनट में, जल्दी से आप इसे देख लो, ये आपका कंप्यूटर का देखिए, ये पूरी आपकी ऐसी किताब मिलेगी, ठीक है, ये पूरा ऐसे ही इंग्लिश में मिलेगा, ऐसे ही सब में मिलेगा, तो पूरी की पूरी बहुत ही अच्छी आपको बुकलेट मिलने वाली है, ये बात आप समझते हुए चलो।
और इस कोर्स से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो भैया अभी इसमें क्या है, बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, 80% ऑफ चल रहा है। आपको करना केवल ये है कि आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लो। परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर पे आप परीक्षा प्लस सर्च करोगे, है ना, ये सर्च करोगे, परीक्षा प्लस आपका आ जाएगा, ऐसा ऐप दिखेगा और वहां पे आपका कोर्स लगा हुआ है। तो परीक्षा प्लस ऐप आप डाउनलोड कर लोगे, वहां से आपको मिल जाएगा। ये आपका 80% ऑफ है, 3000 का बैच मात्र 599 में। क्या मिल रहा है, पीडीएफ नोट्स दिए जा रहे हैं, 20 टेस्ट दिए जा रहे हैं जिसमें 10 सेक्शनल 10 फुल लेंथ दिए जा रहे हैं, और 250 घंटे की आपको लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड भी मिलेगी, आप उसे बाद में भी देख सकते हो। बाकी आपकी जो फीचर्स है इसमें लिखा हुआ है, आप इसे आराम से देख सकते हो। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी आपको समस्या है तो इन नंबरों पर कॉल कर सकते हो, जो आपके दो नंबर दिए हैं, 9970 7054 5000 6007। बाकी कुछ भी करना है तो आप कमेंट में अपने डाउट्स भी, क्वेश्चन भी डाल सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और भी सेशन हम लोग लेके आएंगे, तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।